कोई नए सहजियों के सदस्यों को वाइब्रेशन देने के लिए श्री माता जी की तस्वीर के सामने दिया लगा के धरती पर बैठ जाइए। बोलिए, श्री माता जी, हम चैतन्य का आदान प्रदान करने जा रहे हैं, आप हमसे करवा लीजिए। कृपा करके आप इनको आत्म साक्षात्कार दीजिए। पहले खुद बंधन ले लीजिए, उसके बाद सामने वाले व्यक्ति के पीछे से बंधन दे दीजिए। आपके दोनों हाथ उनके मध्य नाड़ी के मूलाधार चक्र में रख के कहे, श्री माता जी, कृपा करके इनकी कुंडलिनी शक्ति मध्य नाड़ी से सभी चक्रों को निरंजित करते हुए सहस्त्रार चक्र में आके विराजमान हो जाए। ऐसे 3 बार करें। फिर उनके चक्रों को संतुलन करना और चैतन्य देना शुरू करें। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर मध्य के मूलाधार में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर लेफ्ट मूलाधार, फिर राइट मूलाधार। अगर किसी चक्र में गर्मी महसूस होती है तो उस असंतुलन को निकाल के साइड में छोड़ दे 3 बार। थोड़ी देर अपने हाथ उस चक्र पे रख सकते हैं। इसी तरह हर चैनल के स्वाधिष्ठान नाभि, भावसागर, अनाहत, विशुद्धि, बैक आज्ञा, सामने वाले व्यक्ति के सर को थोड़ा साइड वेज घुमाकर फ्रंट आज्ञा सामने से क्लॉकवाइज देना होगा, सहस्त्रार भी क्लॉकवाइज मंत्रों के साथ, ओम त्वमेव साक्षात श्री कल्कि साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी श्री माताजी श्री निर्मला देवी आई नमो नमः। हाथ को उनके सर के ऊपर से उनके चैतन्य को फील कर सकते हैं। फिर मध्य नाड़ी से उनके शक्ति को ऊपर उठा सकते हैं। सपोज उनके लेफ्ट चैनल में ज़्यादा चैतन्य है, राइट में थोड़ा कम है, तो लेफ्ट से उठाकर राइट में डाल सकते हैं। सिमिलरली अगर राइट में ज़्यादा है तो राइट से उठाकर लेफ्ट में डाल सकते हैं। वापस बीच में से शक्ति को उठा सकते हैं। जैसे लेफ्ट चैनल राइट की तरफ जाती है और राइट चैनल लेफ्ट की तरफ जाती है, तो ऐसे दोनों को क्रॉसवाइज निकाल दे, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। फिर बीच में शक्ति को मार्ग मिल जाएगा। फिर दोनों हाथों से चेक करें और
अनुभव करें। फिर उनको बंधन दें। फिर दोनों हाथों को ऐसे रब करके सब कुछ निकाल दो। फिर दोनों हाथ धरती माता पे रख के प्रार्थना करें। हे धरती माता, कृपा करके आप मेरे अंदर अगर कोई असंतुलन है तो अपने अंदर खींच ले और हमें संतुलन अवस्था प्रदान करें। फिर सामने वाले व्यक्ति से कंप्लीटली डिटैच होके थोड़ी देर ध्यान करें। फिर खुद बंधन ले। जय श्री माता जी।